चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा, जो क्वेश्चन आपके कतर्षण में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, और जिनकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो दोस्तों हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, और आप दोस्तों यहाँ पर वीडियो को आखिरी तक यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदाड़ो के बारे में आपको पता होगा जब आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा होगा। तो दोस्तों आपकी कहाँ स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है, सिंध में या फिर लोथल में या फिर रंगपुर में या फिर नालंदा में। दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सिंध में। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, पुनर्जागरण आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पुनर्जागरण जो आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत कौन से देश में हुई थी आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये इंग्लैंड में हुई थी या फिर फ्रांस में हुई थी या फिर इटली में हुई थी या फिर स्पेन में हुई थी। ये दोस्तों आपकी इटली में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऋतुओं का बदलना पृथ्वी के किस गतिवान से निर्धारित होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऋतुओं का बदलना पृथ्वी के कौन से गतिवान से निर्धारित होता है ये आपको बताना है, घूर्णन से या फिर परिक्रमा से या फिर क्रमांगत उन्नति से या फिर विषुव से। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको जानना आवश्यक है कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन गति और एक आपकी परिक्रमण गति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपकी जो ऋतुओं का बदलना होता है दोस्तों, वो आपकी परिक्रमा के कारण होता है, और दोस्तों दिन और रात का होना वो आपका घूर्णन के कारण होता है, ये भी आप याद रख लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो पूछा गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है। दोस्तों मिस्र या फिर बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान या फिर सूडान। दोस्तों आपका अफगानिस्तान जो है घिरा हुआ है भूमि से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है, वाराणसी कौन सी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वाराणसी यमुना नदी के या गंगा नदी के या फिर संगम नदी के या फिर ताप्ती नदी के। ये दोस्तों आपका गंगा नदी के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस देश का सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों ये आपका यहाँ पर इंडिया या फिर अमेरिका या फिर नेपाल या फिर जापान। दोस्तों ये आपका भारत हो जाएगा, इंडिया जिसका सबसे बड़ा संविधान है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना, यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था, 1994 में या फिर 7 दिसंबर 1941 में या फिर 24 अक्टूबर 1945 में या फिर 2 अक्टूबर 1962 में। दोस्तों ये आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। संतोष यादव या राजविंदर कौर या बछेंद्री पाल या फिर मेधा पाटकर। ये दोस्तों आपकी बछेंद्री पाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सशस्त्र बलों का सर्वोच्चतम कमांडर कौन होता है। ये आपका राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर फील्ड मार्शल या जनरल। ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाई सुविधा उस देश से मेल नहीं खाती। दोस्तों ये आपका पैन अमेरिका USA या फिर लुफ्थांसा जर्मनी या जल चीन या जाल जापान। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला लुफ्थांसा जर्मनी दोस्तों मेल नहीं खाता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नोबेल पुरस्कार जो 1901 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू किया गया था, वे किस देश के रहने वाले थे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखिए, पहले तो आपको यहाँ पर एक जानकारी मिलती है कि नोबेल पुरस्कार यहाँ पर 1901 से शुरू किया गया और ये अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू किया गया, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार होते हैं। और ये कहाँ के थे ये भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, जर्मनी के, स्वीडन के या फिर नॉर्वे के या फिर इंग्लैंड के। ये दोस्तों आपके स्वीडन के थे, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ग्रीक के माउंट ओलंपस में पहली बार ओलंपिक खेल कब हुआ था। दोस्तों 1904 में या फिर 1890 में या फिर 1896 में या फिर 1892 में। ये दोस्तों आपका 1896 में हुआ था पहली बार, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, विजयालक्ष्मी पंडित को या फिर सरोजिनी नायडू को या फिर लता मंगेशकर को या फिर नूर जहाँ को। दोस्तों यहाँ पर सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला
के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है दोस्तों, सत्यमेव जयते किस किताब से लिया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा सत्यमेव जयते का यहाँ पर हमारे अशोक की लाट के नीचे भी लिखा जाता है दोस्तों, तो ये कहाँ से लिया गया आपको यहाँ पर बताना है। आनंदमठ से, या फिर गीतांजलि से, या दोस्तों ऋग्वेद से, या फिर मुंडका उपनिषद से। दोस्तों ये आपका मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ये आपका बाढ़ की रोकथाम संबंधी उपाय से, या फिर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी विकास से, या भारत में बाढ़ के अध्ययन से, या फिर जम्मू कश्मीर में कारगिल क्षेत्र के सैन्य अभिनय से। ये दोस्तों आपका यहाँ पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी विकास से दोस्तों संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था। बिल गेट्स ने बनाया था, या फिर न्यूमैन ने बनाया था, या फिर आइंस्टाइन ने बनाया था, या फिर एडा लवलेस ने बनाया था। दोस्तों ये आपका एडा लवलेस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों युग्म आपको यहाँ पर मिलाने हैं, इनमें से जो गलत होगा वो आपको चयन करना है। सफ़ेद झंडा बिना शर्त के आत्मसमर्पण, ये बिल्कुल आपका ठीक है। काला झंडा विरोध का, ये भी ठीक है। रेड या फिर आप कहें लाल झंडा खतरे का, ये भी ठीक है। हरा झंडा खतरे का, ये दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि जहाँ पर खतरा नहीं होता वहाँ पर हरा झंडा दिखा जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये आपका यहाँ पर 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से दोस्तों आपका यहाँ पर जयपुर, या फिर आगरा, या फिर बेंगलोर, या फिर चेन्नई। दोस्तों ये आपका जयपुर जो आपका राजस्थान में स्थित है दोस्तों, ये आपका गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारे महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखे, जो दोस्तों गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत बहुत इनकी आगामी परीक्षा में संभावना है। और भी दोस्तों हम लगातार आपको इस तरह डेली बताते जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ ही लगातार बने रहेगा। दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक्स।